शंकर सुमन चिलर प्लांट से हिनेंदु महाकुंभ के प्रचार वाहन को किया रवाना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अपने समर्थकों के साथ गांव गांव में हिंदू एकता महाकुंभ के लिए लोगों से करेंगे जनसंपर्क। स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की अध्यक्षता में हिंदू एकता महाकुंभ का 15 दिसंबर को होगा आयोजन। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचने वाले लाखों हिंदुओं को संबोधित करेंगे मुख्य अतिथि मोहन भागवत। पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा जय श्री राम के नारों के साथ जोर शोर से शुरू किया प्रचार प्रसार। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, संपादक नीरज धनगर की रिपोर्ट। धर्म चक्रवर्ती सम्राट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंद स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में 15 दिसंबर को चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन आचार्य रामानंद चार्य दास जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिसके लिए हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और हमने पूरे ज़िले में ही हम लोग इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कर रहे हैं। 15 दिसंबर को कम से कम 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का संकल्प स्वामी जी ने लिया है। चित्रकूट में जो होगा उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कम से कम आगरा से हम लोगों ने 50,000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा है कि चित्रकूट में हम लोग 50,000 लोगों को लेकर जाएंगे, जहां वो हिंदू एकता महाकुंभ में ये सभी लोग इकट्ठा होंगे और जहां से आदरणीय परम श्रद्धे मोहन भागवत जी माननीय संघ चालक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा हिंदू एकता के बारे में सभी भाइयों को वहाँ बहुत सुंदर सुनने को मिलेगा, जिससे लिए हमारे हिंदू का उत्थान कैसे होगा। हिंदू एकता के लिए ये विशाल आयोजन 15 दिसंबर 2021 को प्रातः 10 बजे स्थान नया बांस स्टैंड बेड़ी पुलिया चित्रकूट उत्तर प्रदेश में आयोजन हो रहा है। क्षेत्र में कितने वाहन हैं? हम लोगों ने टारगेट रखा है कि हम लोग यहाँ से कम 5,000 वाहनों को लेकर जाएं, जब ही हमारे लोगों की संख्या पूरी हो पाएगी, और इसके लिए हम लोग व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लगातार दिनों रात लगे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू भाइयों को हम लोग चित्रकूट में ले जाना चाहते हैं।